दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आज दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई देश एक दूसरे से उलझ रहा है। फिलहाल यूक्रेन को लेकर नाटो देश और अमेरिका रूस को खुली धमकी दे चुके हैं, वहीं रूस ने भी आक्रामक रुख अपना रखा है। इसके अलावा चीन ताइवान पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है, यहां अमेरिका चीन के सामने है। वहीं भारत का भी चीन और पाकिस्तान से विवाद चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल और ईरान में भी ठनी पड़ी है। एक चिंगारी कहीं भी लगती है तो वो एक भीषण युद्ध का रूप ले सकती है। ऐसे में दुनिया के हर देश अपनी ताकत को बढ़ाने में जुट गए हैं और इसमें यूएस भी पीछे नहीं है। कल ऐसा ही एक अद्भुत परीक्षण उसने अंजाम दिया जो कि दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इस पूरे परीक्षण की मैं वीडियोस भी आपको दिखाने वाला हूं, साथ ही ये क्यों महत्वपूर्ण परीक्षण था और भारत की ताकत इससे कैसे 3 गुना बढ़ सकती है ये भी हम जानेंगे। दरअसल अमेरिकी वायुसेना ने एक कार्गो विमान से क्रूज मिसाइल को लॉन्च करके लक्ष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन यह परीक्षण किसी आम परीक्षणों से बहुत अलग है। यह परीक्षण एक रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम के तहत मेक्सिको की खाड़ी में किया गया। इसमें क्रूज मिसाइल को किसी फाइटर जेट या फिर किसी जहाज से नहीं बल्कि एक कार्गो विमान से लॉन्च किया गया, वो भी विमान के पिछले दरवाजे से। जी हाँ दोस्तों, रैपिड ड्रैगन का फाइनल फ्लाइट टेस्ट फ्लोरिडा के इग्लिन एयरबेस पर हो चुका है। रैपिड ड्रैगन ने पिछले 5 महीनों में 3 अलग अलग विमानों MC-13J, EC-130SJ और C-17A पर 5 उड़ान कर चुका है। इसके परीक्षण से भारत की ताकत भी बढ़ने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे समझेगा। यूएस के एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंट टेशन ऑफिस ने बताया कि इस परीक्षण के दौरान कार्गो विमान के अंदर रखी मिसाइल बॉक्स को नीचे गिराया गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि हमने प्लेटाइज एमुनेशन सिस्टम को विकसित करके इसका सफल परीक्षण भी किया। एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी ने कहा कि इस कार्यक्रम से अमेरिका और उसके सहयोगी देश मालवाहक विमानों को भारी हथियारों से लैस बम ट्रकों में बदलने में सक्षम हो सकते हैं, यानी कि उसे बम वर्षक विमान बनाया जा सकता है। ऐसे परीक्षण सैनिक मापदंडों को सुरक्षित दूरी से दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए अधिक मारक क्षमता प्रदान कर सकते हैं। पिछले महीने यूएस एयरफोर्स ने एक ऐसे ही बिना वॉरहेड वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल में कोई वॉरहेड या इंजन नहीं लगा हुआ था। टेस्ट के दौरान मिसाइल सफलतापूर्वक अपने बॉक्स से बाहर आई और टारगेट को उसने बर्बाद कर दिया। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि जब यह परीक्षण हुआ तब MC-130 को मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर ड्रॉप जोन में पहुंचाया गया। वहां से विमान के क्रू ने एक प्लेटाइज एमुनेशन सिस्टम और क्रूज मिसाइलों के बॉक्स को नीचे गिराया। लॉन्चिंग के कुछ सेकंड बाद ही डमी बॉक्स बाहर निकलते हैं, जिसके बाद मिसाइल भी हवा में उछली और अपनी ताकत से लक्ष्य की ओर बढ़ गई। यह लक्ष्य एक पानी के अंदर था जिसे बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ी। मिसाइल में लगे वॉरहेड ने सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेद दिया। इसको आसान भाषा में हम समझे तो एक कार्गो विमान से एक बड़े से बॉक्स को नीचे हवा में ड्रॉप किया जाता है जिसमें पहले ही क्रूज मिसाइल होती है, और उसके बाद जब यह ड्रॉप होता है तो पैराशूट उसका जब खोला जाता है तो उसकी जो गति होती है वो धीमे हो जाती है और तब वहां से एक क्रूज मिसाइल को सेना लॉन्च कर देती है। अब दोस्तों इस रैपिड ड्रैगन सिस्टम का नाम ड्रैगन रखने के पीछे का जो कारण है वो चीन है। यह उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब दोस्तों ये अमेरिकी प्रोजेक्ट भारत को क्या बेनिफिट दे सकता है, चलिए समझते हैं। दरअसल अमेरिका ने जिस मालवाहक विमान को बम वर्षक विमान में बदला है यही C-17 और C-17J, ये दोनों ही भारतीय सेना के पास भी है और वो भी इसका इस्तेमाल करती है। यही कारण है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत को भी ये काम तुरंत कर लेना चाहिए जिससे चीन के बम वर्षक विमान के अपोजिट हमारे पास भी ऐसा ही एक खतरनाक हथियार हो। दरअसल भारतीय सीमा के करीब भूटान एयरबेस पर चीन ने अपने बम वर्षक विमान को उतार रखा है। यहाँ तक कि अभी कुछ समय पहले यह खबर भी आई थी कि चीन ने इन्हें LAC के पास भी उड़ाया था। ऐसे में अब भारत को यह प्रोग्राम जल्द ही शुरू करना चाहिए और देखा जाए तो इसमें भारत को ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी क्योंकि विमान हमारे पास है, क्रूज मिसाइल भी हमारे पास है। ऐसे में इसको इंडक्ट करके टेस्ट करना रहता है। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने बता दिया, लेकिन भारत इसकी शुरुआत करे तो भारत की DRDO इतनी सक्षम अवश्य है कि वो इस तरह का रैपिड ड्रैगन सिस्टम हम बना सके। वहीं अभी हमारे अमेरिका से भी संबंध अच्छे चल रहे हैं तो ऐसे में हम उसकी मदद भी ले सकते हैं क्योंकि यह युद्ध वगैरह की स्थिति में बेहद कारगर हथियार है। इसको बनाने का एक कारण और है कि भारत के पास चीन के मुकाबले एक भी बम वर्षक विमान मौजूद नहीं है। इस चीज का मनोवैज्ञानिक बढ़त भी चीन को हासिल है, साथ ही स्ट्रेटेजिकली भी यह चीन को मदद देता है क्योंकि इसका इस्तेमाल हो या ना हो लेकिन दुश्मन को डराने के लिए जरूर किया जा सकता है क्योंकि यह भारी तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। रूस, अमेरिका और चीन अपने दुश्मनों को मात्र डराने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और दुश्मन की सीमा के पास इसे उड़ा के उसे डराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या भारत को इस तरह का रैपिड ड्रैगन सिस्टम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।